वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। चला चला आपको हमेशा खुश रखिए जी। तो चलिए अपनी आज की प्यारी सी रेसिपी को, डिलीशियस सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन ब्रोस्ट, और यकीन जाने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही कम वक्त में रेडी होंगे। और चलिए अपनी आज की रेसिपी को जो है वो हम टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चिकन ले लेना मैंने, यहाँ पर जो है वो पूरी मुर्गी यूज़ की है। तो अभी जो हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने का मकसद यही होता है कि जब हम इसको मैरिनेट करें चिकन को, तो जो है चिकन या बीफ जिसको भी आप मैरिनेट कर रहे हैं, कट्स लगाने का मकसद होता है कि जब भी आप उसके अंदर कट्स लगाएं तो जो मैरिनेट आप जिस चीज़ से मैरिनेट कर रहे हैं उसके अंदर अच्छे तरीके से मसाला जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से अपनी चिकन के अंदर अच्छे तरीके से कट्स लगा लेने हैं ताकि हम जब इसकी मैरिनेटिंग करें तो हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसके अच्छी तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है, आप देख सकते हैं। और यकीन जाने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही कम वक्त में आपका रेडी होगा। जैसे इसके स्टीम में टाइम लगेगा, अदरवाइज बहुत ही डिलीशियस रेडी होगा जो हमारा चिकन ब्रोस्ट। और ये यहाँ पर हमने जो इसको एक परात में ट्रांसफ़र कर लिया है। परात में ट्रांसफ़र करने के बाद हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं जो आप लोग, इसको अच्छे तरीके से हमने जो है वो कट्स लगा लिए हैं। उसके बाद एक कप हम योगर्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ग्रीन चटनी हमने बनाई, जो हम धनिया पुदीना और मिर्चों वाली चटनी बनाते हैं वो यूज़ की है हमने। तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखें कट्स हमारे कितने अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। इस तरह से आपने जो अपने चिकन पर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कट्स लगा लेने हैं। और साथ ही इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं जी ब्रोस्ट मसाला, 1 टेबल स्पून ब्रोस्ट मसाला यूज़ कर रहे हैं। साथ ही हम यूज़ करें इसको तरीके से मिक्स करना है, और साथ ही हम यूज़ कर रहे हैं जी रेड चिली पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं जी 1 टीस्पून के करीब, 1 से 2.5 टीस्पून, या और राउंड ऑफ करके आप 2 टेबल स्पून कर लें कि हम यहाँ पर 2 टीस्पून जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद चिली फ्लेक्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा, और ये यहाँ पर हम जो है वो हल्दी डालना भूल गए थे, तो हल्दी आप मैरिनेटिंग के मसाले में ही डालेगा, हमने बाद में डाली थी। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर मसाला जो है मैरिनेट कर देना है, अपने मैरिनेट जो हमने मैरिनेटिंग बनाई है, मैरिनेशन बनाई है, उसे अच्छे तरीके से हमने अपने चिकन को जो है वो मैरिनेट कर देना ताकि मसाला अच्छे तरीके से अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। जब हम इसको कुक करें तो बहुत ही डिलीशियस से रेडी हो, बहुत ही मज़ेदार से रेडी हो। तो ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर जो कट्स लगाए, इसके अंदर आपने जो है मैरिनेशन जो है वो भर लेनी है अच्छे तरीके से। इस पर जो है हमने मैरिनेटिंग करनी है ऊपर से नीचे से, इसको अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ कट्स हैं ना हमने अच्छे तरीके से ओवरऑल चिकन पर जो है वो मैरिनेट करना है चिकन को। ये देख सकते हैं जी आप लोग, उसको अब हमने जो है अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देना है, और बहुत ही टेस्टी रेडी होंगे, बहुत ही डिलीशियस से रेडी होंगे। इसके साथ जो हम चावल बनाएंगे वो भी बहुत ही डिलीशियस। अब देखिए मैंने आपको बताया था हमने जो है वो हल्दी बाद में ऐड की थी बिकॉज हम भूल गए थे, लेकिन आप लोग जो है जो मैरिनेटिंग का मसाला है मैरिनेट का वो आप इसके अंदर ऐड कर ले। तो ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से जो है वो हमने चिकन को जो है मैरिनेट कर देना है, और ये देख सकते हैं जी अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर मसाला हमने मैरिनेट कर दिया है। हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा था मैरिनेट को, मसाला जो हमने मैरिनेशन कर ली थी चिकन की, इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा था ताकि मसाला जो है अच्छे तरीके से चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद साथ ही जो है वो हमने तड़के वाले चावल भी बनाए थे। अगर आपने इसकी रेसिपी वैसे तो चैनल पर मौजूद ही है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और 1 घंटे के बाद हमने जो है इसको स्टैंड रख के, एक बड़े पतीले के अंदर स्टैंड रख के उसके ऊपर हमने अपना चिकन रख दिया था, और तकरीबन इसको हमने 45 से 50 मिनट तक पकाया ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से पक जाए और स्टीम बहुत अच्छा सा हो जाए। तो ये देख सकते हैं जो आप लोग, हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो ढाँप दिया है, इसको स्टीम दे दिया हल्के आँच पर, हमने इसको स्टीम दिया इतना कोई हमने जो है वो फुल आँच पर, वैसे भी स्टीम हल्की आँच पर ही देते हैं। तो अभी ये साथ ही जो है वो राइस बन रहे थे तड़के वाले, और इसकी रेसिपी चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, और अगर आपने दूसरी रेसिपीज देखनी है तो वो भी सारी मौजूद है। लाइक आप हमारे चैनल पे जो है वो मटन पुलाव की, काबली पुलाव की देखनी है तो आपने रेसिपी जाके चैनल पे आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं जी हमने जो है ये हमारा चिकन ब्रोस्ट रेडी है, इसके अंदर हमने चावल फिल कर दिए थे, और बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी से हमारा चिकन ब्रोस्ट और चावल रेडी है। आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं जी अगली बड़ी मज़ेदार सी, इंटरेस्टिंग सी, डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।